वीकीपी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। बॉलीवुड एक्ट्रेस आतिया शेट्टी और इंडियन टीम के उपकप्तान केएल राहुल ने शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया है। वे 10 लाख रुपए के किराए के मकान में रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के मंत्री नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। वहीं कोरोना काल के दौरान राज्य के 18 मंत्रियों के इलाज पर सरकार ने 1,39,00,000 रुपए खर्च किए हैं। ये रकम निजी अस्पतालों को भुगतान किया गया है। इसी बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि सम्मानजनक पदों पर बैठे लोगों को अन्य गणमान्य लोगों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचना चाहिए। उधर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की जगह मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को गृह मंत्रालय का पदभार दिया जा सकता है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस आतिया शेट्टी और इंडियन टीम के उपकप्तान केएल राहुल लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि दोनों ने शादी से पहले एक साथ रहने का फैसला किया है। वो जल्द ही नए घर में लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस कपल ने अपना ठिकाना बांद्रा में कार्टर रोड पर ढूंढ लिया है। इस किराए के अपार्टमेंट का हर महीने का किराया 10 लाख रुपए है। इस अपार्टमेंट के सामने से समुन्द्र का खूबसूरत नजारा भी दिखेगा। इससे पहले दोनों की शादी को लेकर खबरें सामने आई थी। बताया जा रहा था कि ये लव बर्ड्स इस साल के अंत तक 7 फेरे लेंगे। दोनों की शादी साउथ इंडियन रीति रिवाज से होगी, क्योंकि सुनील शेट्टी और केएल राहुल दोनों ही मैंगलोर के रहने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ आतिया शेट्टी की क्लोज फ्रेंड ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ने शादी की कोई प्लानिंग नहीं की है, क्योंकि दोनों के पास अभी फ्यूचर गोल्स और वर्क कमिटमेंट्स है। केएल राहुल और आतिया पिछले 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों ने शुरुआत में दुनिया की नजरों से अपना रिश्ता छिपाए रखा, लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए प्यार जाहिर करने लगे। हर खास मौके पर वे साथ नजर आते हैं। हालांकि इन सब पर अभी तक किसी ने भी ऑफिशियल रिएक्ट नहीं किया है। उन्हें अहान शेट्टी की फिल्म तड़प के प्रीमियर में भी एक साथ देखा गया था। सुप्रीम कोर्ट से मंत्री नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने मलिक की याचिका खारिज कर दी। नवाब मलिक ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुनवाई की शुरुआत करते हुए सिब्बल ने कहा कि 1993 में हुई घटना के लिए वे मुझे 2022 में कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, जहां मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि आप सक्षम अदालत में जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, इस स्तर पर हम बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस पर सिब्बल ने कहा कि 41A नोटिस नहीं है, गिरफ्तारी अवैध है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस पर कहा कि हमारे लिए हस्तक्षेप करने के लिए बहुत प्रारंभिक अवस्था है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में नवाब मलिक के खिलाफ 5,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंध धन शोधन मामले में एनसीपी नेता को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। वो अभी न्यायिक हिरासत में है। आरोप पत्र में कहा गया है कि एजेंसी ने मलिक के बेटों और भाई कप्तान मलिक को कई बार तलब किया, लेकिन वे पेश नहीं हुए। मलिक पर भगोड़े दाऊद के सहयोगी हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर एक संपत्ति को हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। इस पैसे का इस्तेमाल आतंक के वित्त पोषण में किया गया। कोरोना काल के दौरान राज्य के 18 मंत्रियों को कोरोना हो गया था। उनका उपचार मुंबई के नामी अस्पतालों में किया गया, जिसका खर्च सरकार ने चुकाया है। सरकार ने अपनी तिजोरी से 1,39,00,000 रुपए निजी अस्पतालों को भुगतान किया है। इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि निजी अस्पतालों में मंत्रियों के इलाज का खर्च सरकार क्यों भुगतान करे, जबकि वे सरकारी अस्पताल में उपचार करा सकते थे। मंत्रियों ने निजी अस्पताल में इलाज करवाया तो उन्हें उनका खर्च खुद वहन करना चाहिए। राज्य के 18 मंत्री कोरोना संक्रमित हुए थे, जिनमें सर्वाधिक 9 मंत्री एनसीपी के थे। इसके अलावा 6 कांग्रेस और 3 शिवसेना कोटे के मंत्री थे। इनमें स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के उपचार पर करीब 34 लाख रुपए खर्च आया, जबकि कांग्रेस के नेता व राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के इलाज पर 17,63,000 रुपए, ग्राम विकास मंत्री हसन मुशरीफ पर 14,56,000 रुपए, राजस्व मंत्री अब्दुल सत्तार पर 12,56,000 रुपए, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड़ पर 11,76,000, अन्न व नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल पर 9,03,000 रुपए, पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार पर 8,71,000 रुपए, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल पर 7,30,000 रुपए, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई पर 6,97,000 रुपए, परिवहन मंत्री अनिल परब पर 6,79,000 रुपए के इलाज का खर्च सरकार की तिजोरी से भरा गया। इसके अलावा अशोक चव्हाण, संजय बंसोड़े, विजय वडेट्टीवार के इलाज का खर्च 2 लाख रुपए तक आया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सम्मानजनक पदों पर बैठे लोगों को अन्य गणमान्य लोगों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचना चाहिए। ऐसा करके उन्हें नई पीढ़ी के लिए एक नाजिर कायम करना चाहिए। जस्टिस पीबी वराले की अगुवाई वाली बेंच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे की याचिका पर सुनवाई कर रही है। राणे ने पिछले साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपने बयान को लेकर धुले जिले में दर्ज की गई एफआईआर खारिज करने की मांग की है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से भी जानना चाहा कि क्या पुलिस ये बयान देने की इच्छुक है कि वो राणे के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से परहेज करेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि सम्मानजनक पदों पर बैठे व्यक्तियों को अन्य गणमान्य लोगों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि याचिकाकर्ता राणे अदालत में आकर ये नहीं कहते हैं कि जो हो गया वो हो गया। हम सभी के प्रति सम्मानजनक होने का फैसला करें, हम दूसरे को गलत संकेत न दें। अदालत ने कहा कि नई पीढ़ी के लिए एक नजर कायम करना चाहिए। आखिरकार महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसकी समृद्ध धरोहर है। बता दें कि पिछले साल अगस्त में राणे ने भारत की आजादी के बारे में उद्धव ठाकरे की अनभिज्ञता का दावा करते हुए थप्पड़ मारने की बात कही थी। इस पर विवाद पैदा हो गया था। राणे को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के मंत्रिमंडल में आने वाले दिनों में बड़ा फेरबदल होने के संकेत मिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की जगह अब मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को गृह मंत्रालय का पदभार दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो ये फेरबदल 1 मई के पहले होने की संभावना है। दरअसल गृह मंत्री को बदलने की आवाज उठने के पीछे कई वजह सामने आई है। शिवसेना के नेताओं और मंत्रियों को काफी दिनों से ये लग रहा था कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां ठाकरे परिवार, संजय राउत और अनिल परब जैसे पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई कर रहे हैं, उतनी मुस्तैदी और आक्रामक तरीके से दिलीप वलसे पाटिल बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताई थी। हालांकि तब दिलीप वलसे पाटिल ने मामले को संभालते हुए बयान दिया था कि इस तरह की खबरों का कोई आधार नहीं है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि गृह मंत्रालय को और भी मजबूत और सक्षम बनना चाहिए। इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा भी की थी। राउत ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां महाराष्ट्र में आकर जांच कर रही है, ये राज्य के गृह मंत्रालय पर आक्रमण है, इस संदर्भ में गंभीरता से विचार करना चाहिए। झारखंड उच्च न्यायालय ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव को जमानत दे दी है। हालांकि कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व को सुझाव दिया है कि अगर पार्टी की कमान कोई प्रभावशाली ऊर्जावान और गैर गांधी नेता संभाले तो उसका पुनरुत्थान जल्द संभव है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की किसी भी घटना में लापरवाही बरतने वाली इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उधर कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर विवाद अभी जारी है। उडुपी में 2 हिजाब पहनी छात्राओं को पीयूसी परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया। इसी बीच राजधानी के दिल्ली के जहांगीरपुरा इलाके में शोभा यात्रा पर हमले की घटना के बाद आज पहली जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। राजद सुप्रीमो लालू यादव के परिवार को बड़ी राहत मिली है। बीमारी और सजा एक साथ झेल रहे लालू यादव को ये राहत झारखंड उच्च न्यायालय से मिली है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में डोरंडो कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई हुई। 69 दिन बाद डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को सुना, इसके बाद अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट में दलील दी गई कि लालू प्रसाद यादव 40 महीने जेल में गुजार चुके हैं, जो आधी सजा 30 महीने से भी ज्यादा है। हाई कोर्ट ने लालू यादव को सशर्त जमानत दिया है, जिसके अनुसार लालू यादव को सीबीआई कोर्ट की ओर से सजा के साथ मुकर्रर किए गए जुर्माना राशि की आधी राशि कोर्ट में जमा करनी होगी। लालू को 3 शर्तों पर बेल मिली है, जिसमें 10 लाख के निचले मुचलके की राशि जमा करने के साथ साथ जमानत के दौरान हाईकोर्ट से परमिशन लिए बिना लालू को देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही वे अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदलेंगे। इससे पहले 4 अन्य मामलों में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है। फिलहाल न्यायिक हिरासत में उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। सजा सुनाए जाने के बाद लालू की रिम्स में तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाया गया था। तब से न्यायिक हिरासत में उनका वही इलाज चल रहा है। इसके अलावा पटना में भी चारा घोटाले का एक मुकदमा विचाराधीन है, जिसमें लालू आरोपी है। फिलहाल लालू यादव के परिवार में खुशी का माहौल है। कुछ दिनों से कांग्रेस के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान की कवायद से जुड़ी खबरें चल रही है। फरवरी मार्च में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, खासकर पंजाब चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का सफाया हुआ, उसके बाद ये कवायद शुरू हुई। चुनाव रणनीतिकार के तौर पर देश में प्रतिष्ठा पा चुके प्रशांत किशोर ने इस बाबत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 3 से 4 बार मुलाकात भी की है। इन मुलाकातों के दौरान पूरी योजना का प्रस्तुतीकरण दिया। इस प्रस्तुतीकरण में एक अहम बिंदु ऐसा शामिल बताया जाता है, जिसे लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा जारी है।
इस चर्चा में कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व को सुझाव दिया है कि अगर पार्टी की कमान कोई प्रभावशाली ऊर्जावान गैर गांधी नेता संभाले तो उसका पुनरुत्थान जल्द संभव है। हालांकि इस बाबत जब खबरनविसों ने खुद प्रशांत किशोर से सवाल किया तो उन्होंने सीधे हाँ या न में जवाब नहीं दिया, घुमावदार दिलचस्प जवाब का रास्ता अपनाया। बता दें कि साल डेढ़ साल पहले पश्चिम बंगाल चुनाव के तुरंत बाद भी उन्होंने इसी तरह का प्रस्ताव कांग्रेस नेतृत्व को दिया था, लेकिन तब बात बनी नहीं थी। हालांकि इस बार उनके प्रस्ताव पर कांग्रेस आगे बढ़ने का मन बना चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की किसी भी घटना में लापरवाही बरतने वाली इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। गडकरी ने कहा कि हाल के दिनों में देशभर में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की कई घटनाओं की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। ओला इलेक्ट्रिक से लेकर प्योर ईवी और कई अन्य ब्रांडों की कई इलेक्ट्रिक स्कूटर यूनिट्स ने हाल के दिनों में आग पकड़ ली है। गडकरी ने इन कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की, जिनमें ओला इलेक्ट्रिक के भावेश अग्रवाल और बाउंस के विवेकानंद हालेकेरे शामिल है। गडकरी कड़े शब्दों में संदेश के साथ गरजे, ट्वीट कर कहा कि पिछले दो महीनों में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से जुड़े कई हादसे सामने आए हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं में कुछ लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। हमने इन घटनाओं की जांच करने और उपचारात्मक कदमों पर सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। रिपोर्ट्स के आधार पर हम चूक करने वाली कंपनियों पर जरूरी आदेश जारी करेंगे। हम जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए गुणवत्ता से जुड़े दिशा निर्देश जारी करेंगे। गडकरी ने गलती करने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी अपनी प्रतिक्रियाओं में लापरवाही बरतती है तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा और सभी दोषपूर्ण वाहनों को वापस मंगाने का भी आदेश दिया जाएगा। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद अब भी जारी है। एक तरफ हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य के शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं में हिजाब पहनकर शामिल होने को प्रतिबंधित किया है, तो वहीं दूसरी ओर हर बार इस पर विवाद सामने आ रहा है। ताज़ा विवाद राज्य के उडुपी से आया है, जहां दो हिजाब पहनी छात्राओं को PUC परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया। यह दो छात्राएं उन्हीं छह में से है जो हिजाब पहनने की इजाज़त को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही है। जानकारी के मुताबिक छात्राओं को परीक्षा में शामिल होने से रोके जाने के बाद वे केंद्र से बाहर आ गई। कर्नाटक में शुक्रवार से शुरू हुई PUC परीक्षा 18 मई 2022 तक चलेगी। राज्य भर में निर्धारित कुल 1076 परीक्षा केंद्रों पर 6.84 लाख छात्र छात्राएं इसमें शामिल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आलिया और रेशम बुर्का पहनकर ऑटो रिक्शा से परीक्षा केंद्र पर पहुंची और कॉलेज प्रशासन से हिजाब में परीक्षा में शामिल होने देने का निवेदन किया, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों छात्राएं वापस घर आ गई। बता दें कि इस साल की शुरुआत में उडुपी जिले के कॉलेज की 6 छात्राओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि उन्हें हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके बाद यह विवाद पूरे राज्य में फैल गया था। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शोभायात्रा पर हमले की घटना के बाद से भारी पुलिस बल तैनात है। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद आज पहली जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी, इसे लेकर पुलिस अलर्ट पर है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस बीच जामा मस्जिद से अपील की गई है कि हालात को देखते हुए बच्चों को जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद से नहीं लाया जाए। वहीं इसी मसले पर आज सियासी पारा भी चढ़ रहेगा। TMC के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं का दल आज जहांगीरपुरी का दौरा करेगा। जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बुलडोजर पर फिलहाल रोक लगी रहेगी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए यह भी साफ कर दिया कि देश के अन्य भागों में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान पर उसकी तरफ से कोई रोक नहीं लगाई गई है। जहांगीरपुरी मामले में कोर्ट ने नगर निगम, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में 9 मई की सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव व BR गवई की पीठ ने जमीयत उलेमा हिंद की 2 याचिकाओं और वामपंथी नेता वृंदा करात व कुछ अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उपरोक्त आदेश दिए। कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे ब्रिटेन में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बेहद कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाला एक मरीज लगभग 1.5 साल तक महामारी से संक्रमित रहा, तो पाकिस्तान के दौरे आई अमेरिका की विवादित मुस्लिम सांसद इलहान अब्दुल्ला उमर ने कश्मीर को लेकर एक बार फिर से जहर उगला है।
वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का रूसी हेलीकॉप्टर में सवार न होना चर्चा का विषय बना हुआ है। उधर एक सर्वे के अनुसार स्वीडन के 51% लोग मानते हैं कि उन्हें नाटो के साथ जाना चाहिए, ये उनके देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर से विदेश नीति के लिए भारत की प्रशंसा की है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे ब्रिटेन में बेहद कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाला एक मरीज लगभग 1.5 साल तक महामारी से संक्रमित रहा था। वैज्ञानिकों के अनुसार हालांकि अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि क्या ये सबसे लंबे वक्त तक कोविड-19 से संक्रमित रहने का मामला है। जो व्यक्ति सबसे लंबे समय तक संक्रमित पाया गया है वो 2020 की शुरुआत में कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था और उसका वायरल रोधी दवा रेमडेसिविर से इलाज किया गया, लेकिन 2021 में उसकी मौत हो गई। अनुसंधानकर्ताओं ने मौत की वजह बताने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इस मरीज को कई अन्य बीमारियां थी। 5 मरीज बच गए, 2 बिना इलाज के ही संक्रमण से ठीक हो गए, 2 इलाज के बाद संक्रमण से उभरे तथा 1 अब भी संक्रमित है। दरअसल स्नेल के दल से इस सप्ताहांत पुर्तगाल में संक्रामक रोगों की बैठक में कोविड-19 से लगातार संक्रमित रहे कई मामलों को पेश करने की योजना है। उनके अध्ययन में ये पता लगाया गया है कि लंबे समय तक संक्रमित रहे मरीजों में कौन से म्यूटेशंस होते हैं और क्या संक्रमण के नए प्रकार पैदा होते हैं। इसमें कम से कम 8 सप्ताह तक संक्रमित पाए गए 9 मरीजों को शामिल किया गया है। बार बार जांच से पता चला कि वे औसतन 73 दिनों तक संक्रमित रहे। 2 मरीजों को 1 साल से भी अधिक वक्त तक कोरोना वायरस रहा। इससे पहले अनुसंधानकर्ताओं ने कहा था कि पहले 335 दिनों तक संक्रमण रहने का मामला सामने आया था। लगातार कोविड-19 से संक्रमित रहना दुर्लभ और लंबे समय तक कोरोना वायरस से अलग है। पाकिस्तान के दौरे पर आई अमेरिका की विवादित मुस्लिम सांसद इल्हान अब्दुल्लाही उमर ने कश्मीर को लेकर एक बार फिर से जहर उगला है। इल्हान ने कहा है कि अमेरिका में सत्ता के केंद्रों में कश्मीर मामले की उतनी ही चर्चा नहीं हुई जितनी उसको जरूरत थी। उन्होंने कहा कि ये स्थिति बदलेगी और अमेरिकी कांग्रेस में सुनवाई के दौरान इसे उठाया जाएगा। इससे पहले भारत ने इल्हान के पाक अधिकृत कश्मीर जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। इल्हान ने भारत में मुस्लिमों के कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। बाइडेन की पार्टी के सांसद इल्हान उमर ने कहा कि कश्मीर के सवाल पर हमने विदेशी मामलों की समिति के सामने कमेटी सुनवाई है ताकि मानवाधिकार के उल्लंघन की खबरों और मोदी सरकार से मुस्लिम विरोधी बयानबाजी और इससे होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे ज्यादा बड़े मुद्दे पर बात की जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक इल्हान उमर ने कश्मीर में भारत के अनुच्छेद 370 को खत्म करने पर कहा कि हम भारत के 5 अगस्त 2019 के कदम से बहुत चिंतित है। पीओके के कथित राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि भारत जम्मू कश्मीर में जनसंख्या को बदलना चाहता है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सांसद इल्हान उमर की पीओके की यात्रा की निंदा की थी और कहा कि यह संकीर्ण मानसिकता वाली राजनीति को प्रदर्शित करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी राजनीतिज्ञ अपनी संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित करती है तब यह उनका काम है। ध्रुवीकरण के दौर में कैंसल कल्चर न केवल आम जनजीवन बल्कि राष्ट्र प्रमुखों और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों तक को किस हद तक प्रभावित कर रहा है, इसका एक उदाहरण यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे पर दिखा। जॉनसन को गुजरात में हेलीकॉप्टर से गांधीनगर से वडोदरा जाना था। भारत सरकार ने उनके लिए रूसी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की थी, लेकिन यूके के अधिकारियों ने आग्रह किया कि जॉनसन के दौरे के लिए रूस में निर्मित हेलीकॉप्टर को उपयोग में नहीं लाया जाए। यूके की इस अपील के पीछे रूस यूक्रेन युद्ध के प्रति पश्चिमी देशों के नजरिए की अहम भूमिका मानी जा रही है। चूंकि अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने प्रबल रुख अख्तियार किया है कि रूस ने बिना उकसावे के यूक्रेन पर हमला बोला है, इसलिए रूस पर पाबंदियां लग रही है और उसे हर जगह हर हाल में दूरियां बनाई जा रही है। यूके के अधिकारियों का भारत सरकार से हेलीकॉप्टर बदलने की अपील भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। दरअसल यूके की लायजन टीम पीएम जॉनसन के दौरे से 3 दिन पहले भारत पहुंच चुकी थी। खबर है कि उस टीम ने भारत सरकार से कहा कि पीएम जॉनसन का गांधीनगर से वडोदरा के पास हलोल स्थित जेसीबी प्लांट जाने का जो दौरा फिक्स है उसके लिए रूसी हेलीकॉप्टर को हटा लिया जाए। फिर भारत सरकार ने अमेरिका निर्मित चिनूक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की और MI-17 हेलीकॉप्टर को वापस ले लिया। चूंकि यूके अधिकारियों की तरफ से रूसी MI-17 को लेकर सुरक्षा चिंताएं जताने की बात सामने नहीं आई है, इसलिए माना जा सकता है कि ये रूस से दूरी बनाने का ही एक मामला है। यूक्रेन के नाटो संगठन में शामिल होने की आशंका के चलते ही रूस ने उस पर हमला बोल दिया था, लेकिन अब भी उसकी टेंशन खत्म होती नहीं दिख रही है। यूरोपीय देश स्वीडन के 51% लोग मानते हैं कि उन्हें नाटो के साथ जाना चाहिए। नागरिकों का मानना है कि नाटो में शामिल होने से उनके देश की सुरक्षा मजबूत हो सकेगी। स्वीडन अब तक एक तटस्थ देश के तौर पर अपनी भूमिका अदा करता रहा है, लेकिन उसके ज्यादातर नागरिकों की राय चौंकाने वाली है।
रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे के लिए कराए गए वोटिंग में 51% लोगों ने नाटो के साथ जाने पर सहमति जताई है, जबकि बीते सप्ताह यह आंकड़ा 45% ही था। कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से स्वीडन के लोगों में ये भावना बढ़ी है कि उन्हें नाटो का हिस्सा बन जाना चाहिए। बड़ी बात यह है कि स्वीडन के अलावा फिनलैंड भी नाटो का हिस्सा बनने पर विचार कर रहा है। जून में उसकी ओर से इसका प्रस्ताव नाटो को सौंपा जा सकता है। बीते सप्ताह फिनलैंड के पीएम ने स्वीडन का दौरा किया था और प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन से मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच नाटो का हिस्सा बनने को लेकर बात हुई थी। सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि फिनलैंड यदि नाटो का हिस्सा बनता है तो फिर स्वीडन को क्या करना चाहिए, इस पर 64% लोगों ने कहा कि ऐसी स्थिति में स्वीडन को नाटो का हिस्सा बन जाना चाहिए। गौरतलब है कि रूस की यूक्रेन से यही मांग रही है कि वो कहे कि नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा और तभी उस पर जारी हमले को रोका जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर से पाकिस्तान में नए सिरे से चुनाव का आह्वान किया है। पीएम पद से हटने के बाद उन्होंने इस बार लाहौर में एक और पावर शो को संबोधित किया है। उन्होंने विदेश नीति के लिए भारत की फिर से प्रशंसा की है। इमरान ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत दूसरे देशों के लाभ से पहले अपने लोगों के लिए सोचता है। इमरान खान अपनी सभा में मौजूद भीड़ से काफी गदगद दिखे। उन्होंने कहा कि मैंने इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं देखी। सभा को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का एक रणनीतिक सहयोगी है, वो रूस से तेल ले रहा है। जब अमेरिका ने भारत को तेल नहीं खरीदने के लिए कहा तो उसने सीधा कहा कि मेरे देश के लिए जो भी अच्छा होगा उसी के आधार पर निर्णय लेते हैं। इमरान खान ने फिर कहा कि भारत की विदेशी नीति अपने लोगों के लिए है, जबकि हमारी दूसरे देश के लाभ के लिए है। मेरे प्रतिद्वंदियों को भी ये पसंद नहीं आया, उन्हें चीन के साथ हमारी दोस्ती भी पसंद नहीं आई, तभी मेरी सरकार के खिलाफ साजिश शुरू हुई। इमरान खान ने रूस की अपनी यात्रा का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि वो अपने लोगों के लिए गए थे, देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए गए थे। उन्होंने देश में जल्द से जल्द नए सिरे से चुनाव कराने का आह्वान किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम आयातित सरकार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। गलती को ठीक करने का एक ही तरीका है और वो है तत्काल चुनाव। मेरे प्रतिद्वंदियों को याद रखना चाहिए कि साजिश तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि मीर जाफर यहाँ बैठे हैं। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।